दोस्तों नमस्कार, मैं केसी बैरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ME-301 आरएसी है, और जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है रिवर्स ब्रियटोन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस टॉपिक में अपन ब्रियटोन साइकिल के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं और उनमें डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। साथ साथ अपन इसके जो COP है उसकी डेरिवेशन है, COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जो डेरिवेशन है वो ड्राइव करेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है जिसके आधार पर वो स्टडी करेंगे। सो आगे चलते हैं अपने। देखिए जो रिवर्स ब्रियटोन साइकिल है मेनली इसमें दो प्रोसेस होते हैं, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक आइसोट्रॉपिक प्रोसेस होता है और दूसरा कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। अगेन आइसोट्रॉपिक प्रोसेस में दो तरह से होते हैं, एक कंप्रेशन प्रोसेस होता है और एक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। इसी तरह से कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में एक कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है और एक कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्बेशन प्रोसेस होता है। यानी आपके पास में आइसोट्रॉपिकल दो हैं जिसमें से एक कंप्रेशन और एक एक्सपेंशन है, कॉन्स्टेंट प्रेशर दो प्रोसेस हैं जिसमें से एक हीट रिजेक्शन और एक हीट एब्जॉर्बेशन प्रोसेस है। ये आपको देखिए PU डायग्राम पर ये साइकिल आपको दिखाया गया है। यहाँ से अपन PU डायग्राम पर देखेंगे तो 1-2 आपके पास में ये आइसोट्रॉपिकली कंप्रेशन प्रोसेस है जो कंप्रेशन में होता है। 2-3 आपके पास में एक हाई प्रेशर पर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है जहाँ पर आपके पास में हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर हीट रिजेक्ट की जाती है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, और ये प्रोसेस जो होता है वो आपके पास में कंडेंसर में होता है। और उसके बाद आपके पास में 3-4 जो प्रोसेस आपको दिखाया गया है वो आइसोट्रॉपिकली एक्सपेंशन प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपके पास में टर्बाइन में होता है, यहाँ पर जो आपके पास गैस है उसका एक्सपेंशन किया जाता है, और एक्सपेंशन होने के बाद में आपके पास में यहाँ पर जो लोअर टेम्परेचर हो जाता है, अगेन लोअर टेम्परेचर है, लोअर प्रेशर की बात करते हैं, यहाँ पर लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर है जहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करता है, और ये प्रोसेस जो आपके पास में इवेपोरेटर है उसमें होता है। तो इस तरह से आपके पास में यहाँ से देखिए 1-2 आइसोट्रॉपिकल कंप्रेशन, 2-3 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, और 3-4 आइसोट्रॉपिकली एक्सपेंशन प्रोसेस, और 4-1 आपके पास में अगेन कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्बेशन प्रोसेस जहाँ से हीट रिसीव करता है। और इस तरह से आपके पास में तो इसके चार पार्ट्स में देखिए, ये कंप्रेशन हो गया, ये हीट रिजेक्ट करता है इसमें कंडेंसर हो गया, ये जिसमें आपके पास में गैस का एक्सपेंशन होता है टर्बाइन हो गई, और ये हीट जहाँ से एब्जॉर्ब करता है ये इवेपोरेटर हो गया। इस तरह से आपके इसके चार कंपोनेंट हो गए। इसी प्रोसेस को अपन TS डायग्राम पर देखते हैं। तो यहाँ से देखिए कि 1-2 आइसोट्रॉपिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपके पास में एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन कंप्रेसर प्रोसेस है इस वजह से इसमें टेम्परेचर आपके पास में राइज होता है। तो यहाँ से देखिए टेम्परेचर, इनिशियली टेम्परेचर आपके पास में T1 था जो राइज होकर T2 हो गया। अगेन आपके पास में 2-3 जो है आपके पास में कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अगेन आपके पास में जब हीट रिजेक्शन होगी तो आपके पास में टेम्परेचर लोअर होगा। तो देखिए यहाँ से टेम्परेचर T2 से T3 हो गया है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 था हाई टेम्परेचर, और जब हीट रिजेक्ट करेगा तो आपके पास में टेम्परेचर T3 हो गया है। तो ये जो प्रोसेस होता है 2-3 आपके पास में कंडेंसर में होता है, और अगेन 3-4 प्रोसेस की बात करते हैं, ये अगेन आइसोट्रॉपिकल एक्सपेंशन प्रोसेस है जो आपके पास टर्बाइन में होता है, और यहाँ पर अगेन आपके पास में एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहती है लेकिन एक्सपेंशन प्रोसेस है इस वजह से इसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो देखिए टेम्परेचर T3 से T4 हो गया, सो अगेन आपके पास में लोअर टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ से देखिए कि अगेन आपके पास में ये हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है जहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है। सो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा इसका टेम्परेचर राइज होता चला जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो ये प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ से जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा 4-2 तो आपके पास में टेम्परेचर 4-1 पे आ गया। ये जो है, ये जो सिस्टम है, ये आपके पास में ये कंपोनेंट है, ये इवेपोरेटर कहलाता है जहाँ के पर आपके पास में हीट एब्जॉर्ब होती है, लो टेम्परेचर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आपके पास में रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन का मेन पार्ट है जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब की जाती है। इस तरह से आपके पास में ये जो साइकिल है ये चार प्रोसेस से कौन से बना होता है, इसके कंपोनेंट आपको आगे चल के हम दिखाते हैं। देखिए आगे इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ये दो तरह से, ये साइकिल आपके पास में दो तरह से हो सकता है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल। तो आगे अपन इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो साइकिल दिखाए गए हैं। फर्स्ट साइकिल आपको ओपन
साइकिल दिखाया गया है, दूसरा आपको क्लोज साइकिल दिखाया गया है। ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के मेन जो कंपोनेंट्स हैं यानी आपके पास में जो भी पार्ट्स हैं इसके, वो सेम होते हैं। फर्क ये होता है कि आपके पास में जो ओपन साइकिल होता है वो में जो चार्जिंग जो गैस होती है वो फ्रेश एयर सप्लाई होती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जबकि क्लोज साइकिल में आपके पास में जो आपने चार्जिंग की हुई गैस है वो रेगुलरली आपके पास में साइकिल में क्लोज साइकिल में आपके पास में सर्कुलेट होती रहती है, अपन फ्रेश एयर उसमें एंटर नहीं करवाते हैं, जैसा कि आपको नीचे दिखाया गया है। देखिए ये आपके पास में ओपन साइकिल सिस्टम है, यहाँ से देखिए कि ओपन साइकिल सिस्टम में आपके पास में एयर है वो एटमॉस्फेयर से कंप्रेसर में एंटर होती है, जहाँ कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेसर में कंप्रेस करने के बाद में इसको कंडेंसर जो है आपके पास में, ये कंडेंसर है जहाँ पर इसको कूल किया जाता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर कूल करने के बाद में अगेन इसको एक्सपेंड किया जाता है टर्बाइन में, जहाँ पर इसका टेम्परेचर लो क्रिएट होता है, और लो टेम्परेचर क्रिएट होने के बाद में आपके पास में इसको इवेपोरेटर में सप्लाई करने के बाद में अगेन एटमॉस्फेयर को सप्लाई कर दिया जाता है, यानी इसको कूलिंग करने के बाद में इस एयर को अगेन रीयूज अपन नहीं करते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब एटमॉस्फेयर अपने यूज एयर यूज करते हैं तो इस एयर को यदि आपने ड्राई नहीं किया है तो ये एयर जैसे ही आपके पास में एक्सपेंडर में आएगी और एक्सपेंडर में आने के बाद में इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जैसे ही टेम्परेचर आपके पास में लोअर होगा वो मॉइस्चर कंटेंट आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको चोक कर देगा। इस वजह से ये जनरली सिस्टम है आपके पास में कम यूज किया जाता है। दूसरे अपने क्लोज साइकिल सिस्टम की बात करते हैं, अगेन आप देखिए ये आपका कंप्रेसर है जहाँ पर अपने को वर्क करना होता है और यहाँ से 1-2 प्रोसेस जो आइसोट्रोपिकल कंप्रेशन प्रोसेस आपको दिखाया गया था, यहाँ से आपके पास में आइसोट्रोपिकल कंप्रेशन प्रोसेस है, यहाँ से इसका प्रेशर भी राइज होगा और टेम्परेचर भी राइज करेगा ये कंप्रेसर, और कंप्रेसर जैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर राइज करेगा अगेन अपने हीट एक्सचेंजर जिसको कंडेंसर कहते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैस होगी एयर होगी और उस एयर को यहाँ से कूल किया जाता है और कूल करने के बाद इसमें टेम्परेचर डाउन होगा लेकिन प्रेशर कॉन्स्टेंट आपका रहेगा, जैसा कि पहले आपको PVOTS डायग्राम पर दिखाया गया है। तीसरी बात करते हैं, तीसरा पार्ट इसका टर्बाइन है जिसको एक्सपेंडर कहते हैं, यहाँ से इस एक्सपेंडर में आपके पास में जो गैस है उसका एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होने के कारण उसका प्रेशर भी रिड्यूस होगा और टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा और रिड्यूस होने के कारण यहाँ पर ये लो टेम्परेचर की एयर जनरेट होगी जिसको अपन इवेपोरेटर में सप्लाई करते हैं, जहाँ पर ये जो लो टेम्परेचर की एयर है आपके पास में हीट पिकअप करती है आपके पास में कोल्ड रिजर्वायर से और वहाँ पर जहाँ ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जैसे जैसे ये आपके पास में हीट एब्जॉर्ब करेगी इसका टेम्परेचर राइज होता चला जाता है, क्योंकि ये प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है इसको अपने पहले साइकिल पर दिखाया गया है। इस तरह से आपके पास में ये हीट एब्जॉर्ब करेगी तो इसका टेम्परेचर राइज होता चला जाएगा और अगेन इसको कंप्रेसर को सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके पास में ये जो एयर है आपके पास में सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होती रहती है, इस वजह से इसको क्लोज साइकिल अपन कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको PVOTS डायग्राम बताए थे, तो PVOTS डायग्राम से अपन जो है यहाँ से अपन दिखाया कि ये साइकिल जो है इसमें दो आइसोट्रोपिकली प्रोसेस होते हैं जिसमें एक कंप्रेशन प्रोसेस होता है और एक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। देखो आइसोट्रोपिकली प्रोसेस में किसी भी तरह की हीट ट्रांसफर नहीं होती है, ना ही वो हीट रिजेक्ट करता है ना ही हीट रिसीव करता है, इसका मतलब इस साइकिल की बात करते हैं इस साइकिल में टोटल जो हीट रिसीव हो रही है और जो रिजेक्ट हो रही है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो रही है। सो अपन यहाँ पर देखिए साइकिल में अपन हीट रिसीव और हीट रिजेक्ट की बात करते हैं, तो यूनिट मास के लिए अपने देखें तो हीट रिसीव फ्रॉम ए लोअर टेम्परेचर की बात करते हैं तो जहाँ आपके पास में टेम्परेचर हाई होता है, सो हीट रिसीव में कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट की क्वांटिटी जो होती है वो CP डेल्टा टी के बराबर होती है। यदि डेल्टा टी पॉजिटिव है तो हीट रिसीव करेगा, यदि डेल्टा टी नेगेटिव तो है तो हीट रिजेक्ट करेगा। यहाँ से देखिए अपने पास में लोअर टेम्परेचर पर आपके पास में टेम्परेचर राइज हो रहा है T1 से T4, इसका मतलब ये हीट रिसीव कर रहा है एट ए लोअर टेम्परेचर और टेम्परेचर राइज हो गया आपके पास में T1 to T4। ये क्वांटिटी आपके पास में हीट की जो क्वांटिटी है Q=CP T1 - T4 जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये हीट रिसीव कर रहा है सिस्टम। अगेन हीट रिजेक्शन की बात करते हैं, हीट रिजेक्शन में आपके देखिए कि आपके पास में ये जो टेम्परेचर है T3 आपके पास में कम है T2 से, तो ये जो हीट की क्वांटिटी है ये हीट रिजेक्ट कर रहा है सिस्टम एट ए
हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर, यानी आपका टेम्परेचर यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से ये हीट रिजेक्ट कर रहा है सिस्टम। सो हीट की ये हीट रिसीव की और ये हीट रिजेक्ट की, तो आपके पास में आप सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ऑन ए सिस्टम, तो आपके पास में दोनों का जो हीट रिजेक्शन माइनस हीट जो रिसीविंग है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो सिस्टम पर आप कितना वर्क कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी को आपको देता है, इसकी क्वांटिटी को बताता है। तो यहाँ से देखिए कि जो वर्क डन ऑन ए सिस्टम इक्वल टू ए क्यू टू माइनस क्यू वन, यानी ये सिस्टम पर कितना वर्क डन अपन कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को अपन को बता रहा है। तो क्यू टू माइनस क्यू वन इक्वल टू होगा आपके पास में सी पी टी टू माइनस टी वन माइनस सी पी इन टू टी वन माइनस टी फोर, ये आपके पास में जो वर्क डन कर रहे हैं अपन सिस्टम पर इसकी क्वांटिटी को बताता है। लेकिन अपन देखते हैं कि जो आपके पास में सिस्टम लो टेम्परेचर पर हीट रिसीव कर रहा है वो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट के बराबर होती है, जिसको अपन रेफ्रिजरेंट कहते हैं, जिसको कूलिंग इफेक्ट अपन कहते हैं। सो आपके पास में सीओपी की जो डेफिनेशन है, किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए सीओपी की डेफिनेशन है वो होती है कि आपके पास में ये रेशियो होता है रेफ्रिजरेंट इफेक्ट टू ए वर्क डन का रेशियो होता है सीओपी आपके पास में रेफ्रिजरेटर सिस्टम का। सो यहाँ से आपके पास में सीओपी इंड्यूस क्या हो गया, आपके पास में हीट रिसीव कर रहा है आपके पास में लो टेम्परेचर पर एक क्यू वन और वर्क डन किया आपने सिस्टम पर डब्लू, तो आपके पास में जो सीओपी होगा वो होगा क्यू वन अपॉन डब्लू के बराबर सीओपी होगा। तो यहाँ से अपन क्यू वन एंड डब्लू की वैल्यूज रख पुटअप करते हैं, तो पुटअप करने के बाद में देखिए आपके पास में सीपी कॉमन है दोनों में, तो सीपी यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो सीपी कैंसिल हो जाएगा और डेरिवेशन आपके पास में आती है टी वन माइनस टी फोर डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी थ्री माइनस टी वन माइनस टी फोर। यदि मैं इसको टी वन माइनस टी फोर को डिवाइड कर देता हूँ कॉमन है तो आपके पास में यहाँ से ये नीचे आ जाएगा और ये इसका माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से अगेन मैं इनको जो आपके पास में कॉमन है उनको डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास में यहाँ से ये जो वैल्यूज हैं आपके पास में सी प्रेशर रेशियो की फॉर्म में आ जाता है कि आपके पास में। सो यहाँ से देखिए इस तरह से आपके पास में एक डेरिवेशन ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन पी टू अपॉन पी वन ए प्रेशर रेशियो है जिसको अपन चाहे वो एक्सपेंशन में होता है चाहे कंप्रेशन में होता है, दोनों का प्रेशर रेशियो आपके बराबर पास बराबर होता है। सो सी ओ पी की जो इक्वेशन है आपके पास में वन अपॉन आर पी गामा माइनस वन अपॉन माइनस वन के बराबर होती है। तो इस तरह से आपके पास में ये सी ओ पी की डेरिवेशन है। यहाँ से अपन देखते हैं कि सी ओ पी आपके पास में यहाँ देखिए इन पर डिपेंड कर रहा था टी टू टी थ्री टी फोर टी वन, तो अपन इनको टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर को आप एक प्रेशर रेशियो की फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्योंकि आपके पास में ये जो टी टू है आपके पास में टी वन के साथ में जो है प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करेगा, टी थ्री है टी फोर के साथ में वो अगेन प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करेगा, तो इस तरह से आप इनको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे देखिए आपके पास में जैसे आपको आगे दिखाया गया है, यहाँ से देखिए आपके पास में जो आर पी का जो रेशियो होता है वो पी टू अपॉन पी वन इक्वल टू ए टी गामा माइनस पी टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, ये होता है टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू टी थ्री अपॉन टी फोर। तो वहाँ से जैसे अपन वैल्यूज पुट अप करेंगे अपने पास में टी वन टी टू का रेशियो अपॉन टी थ्री अपॉन टी फोर का रेशियो जो है बराबर होता है और बराबर होने के कारण आपके पास में उसकी वैल्यू आर पी के बराबर आर पी टू पी पी के बराबर होती है और आर पी की वैल्यू होती है पी टू अपॉन पी वन इक्वल टू ए पी थ्री अपॉन पी फोर इक्वल टू गामा की पावर गामा माइनस वन के बराबर। तो इस तरह से यहाँ से अपन देखते हैं कि जो सी ओ पी की इक्वेशन है वो अपन पास में सी ओ पी किसका फंक्शन हुआ, प्रेशर रेशियो का फंक्शन हुआ और प्रेशर रेशियो आपके पास में चाहे वो एक्सपेंसर है एक्सपेंडर है चाहे कंप्रेसर है उनमें दोनों में सेम होता है, इस वजह से आपके पास में सी ओ पी जे ओनली फंक्शन ऑफ ए प्रेशर रेशियो। साथ साथ ये देखिए कि यदि आपके पास में हाई इस प्रेशर रेशियो को आप बढ़ाते चले जाएँ इक्वेशन में देखेंगे तो इस प्रेशर रेशियो जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे सी ओ पी की वैल्यू आपके पास में कम होती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो प्रेशर रेशियो है वो लिमिटेड किया जाता है लोअर और हाई टेम्परेचर के द्वारा, कि आपके पास में जैसे ये देखिए कि यहाँ पर आपके पास में ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है, यहाँ अगेन ये आपके पास में हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है, तो यहाँ से देखिए ये दोनों लिमिट यदि आप डिसाइड कर देंगे तो उस कंडीशन में आपके पास में आर पी की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी पर्टिकुलर गैस के लिए जो आप गैस यूज कर रहे हैं या एयर यूज कर रहे हैं उसके लिए।
सो जो प्रेशर रेशियो की वैल्यू किससे लिमिटेड होगी आपके पास में, हायर और लोअर टेम्परेचर की जो लिमिट है वो आपके पास में प्रेशर रेशियो डिसाइड कर देते हैं। साथ ही साथ ही देखिए आपके पास में सीओपी की क्वेश्चन में आपके पास में गामा की वैल्यू और है, तो यदि आपके पास में गामा वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, वो फ्लूड पर डिपेंड करती है। जैसे आप एयर ले रहते हैं, एयर के लिए कॉन्स्टेंट है, यदि एयर को रिप्लेसमेंट कर देते हैं, दूसरा कोई वर्किंग फ्लूड लेते हैं, जैसे क्लोसाइकिल सिस्टम में आपके पास में दूसरा कोई वर्किंग फ्लूड लेते हैं, सो गामा की वैल्यू उसके लिए चेंज हो जाएगी। साथ साथ गामा की वैल्यू चेंज होते ही आपके पास में सीओपी की जो वैल्यू है क्लोसाइकिल सिस्टम के लिए अगेन आपके पास में चेंज हो जाती है। इस तरह से आपके पास में जो सीओपी है वो आपके पास में किन पर डिपेंड करता है, प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करता है, और प्रेशर रेशियो किससे लिमिटेड किया जाता है, लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की जो लिमिट है उससे लिमिटेड किया जाता है, उससे उसको सेकंड वो लिमिटेड किया जाता है कि चाहे आपने हाई और लोअर टेम्परेचर की रेंज डिसाइड कर दी तो आपका कंप्रेशन प्रेशर रेशियो है वो भी लिमिटेड हो गया। साथ साथ यदि आप वर्किंग फ्लूड चेंज कर देते हैं तो वो भी आपके पास में सीओपी को इफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी इक्वेशन में जो है वहाँ गामा की वैल्यू भी साथ में है। इस तरह से आप देखिए सीओपी जो है रिवर्स ब्रेटन साइकिल का सीओपी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ आपका